that in our previous video we have done lesson 4. Today we will start our new chapter 5. Chapter name is the Earth as a globe. तो पृथ्वी उसको हम कैसे समझेंगे, एक ग्लोब के रूप में. ठीक है, तो अब चलते हैं कुछ बेसिक टर्म पर. तो सबसे पहले समझते हैं अर्थ क्या है. देखो अर्थ है यूनिक प्लैनेट है जिस पर क्या है, जीवन संभव है. अब होता क्या है, इतनी बड़ी अर्थ है उस पर हमको डिफरेंट प्लेसेस ढूंढना तो मुश्किल का काम है. तो इसलिए उसका एक हमशक्ल बोलो या नमूना बोलो तो वो क्या है, ग्लोब. तो ग्लोब क्या हेल्प करता है हमको डिफरेंट प्लेसेस लोकेशन देखने में और वो एक्यूरेट उनका पता बताता है. तो अब पढ़ते हैं द ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ. इसको क्या कहा जाता है, ये क्या है, पृथ्वी का एक नमूना है. ठीक है, मॉडल ऑफ द अर्थ क्या होता है, द मैप ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब. और जो ग्लोब होता है उसकी सरफेस पे क्या होता है, मैप बना होता है. तो इसमें मैप में क्या क्या होते हैं, हमारे कॉन्टिनेंट होते हैं, ओशियन होते हैं और जितने भी डिफरेंट प्लेसेस जहाँ हम जाना चाहते हैं हम उसको ग्लोब पर देख सकते हैं. और ये बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन बताता है उसकी. ठीक है, तो अब देखिए उसकी सरफेस पे देखो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. ठीक है, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका. ये क्या है, हमारे 7 कॉन्टिनेंट. ठीक है, हैं को साथ महाद्वीप भी बोलते हैं. और हमारा इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में. ठीक है, अब पढ़ते हैं 4 ओशियन. अब पढ़ते हैं ओशियन कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन. तो ये 4 ओशियन हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर. ठीक है, तो इनको भी हम सर्च कर सकते हैं किस पर, ग्लोब पर. अब आते हैं कि ग्लोब में क्या होता है. जो ग्लोब होता है उसमें 2 पॉइंट होते हैं. कितने पॉइंट होते हैं, 2. तो जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल. और जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साउथ पोल. तो अब देखिए नॉर्दर्न, ये आपको ग्लोब दिख रहा है. तो ये देखिए जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं क्योंकि ये उत्तर दिशा में है नॉर्थ. और इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल, क्योंकि ये दक्षिण दिशा में. ये तो कोई पॉइंट है. ठीक है, अब चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो हम समझते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है. तो ये क्या होती है, दो रेखाएं होती हैं या टू लाइन्स होती हैं. तो टू सी द करेक्ट लोकेशन. और ये किस चीज़ में मदद करती है, हमको एक करेक्ट लोकेशन या करेक्ट जगह ढूंढने में हमारी ये मदद करती है. साइंटिस्ट हैव ड्रॉन अ मैप द ग्रिड. तो साइंटिस्ट ने क्या तैयार करा, अच्छी प्लेसेस या उनका लोकेशन देखने के लिए एक ग्रिड तैयार करा, एक जाल तैयार करा ऑफ सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल. तो क्या है, ये सर्कल सेमी सर्कल टाइप की लाइन खींच के उन्होंने तैयार करा है, उसको ड्रॉ करा है ग्रिड नेटवर्क. दिस लाइन हेल्प टू नोइंग द करेक्ट लोकेशन. और यही लाइन हमको करेक्ट लोकेशन तक पहुँचाती है. ठीक है, इनको ही हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये वाली जो लाइन है बीच वाली सेंटर, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड. ठीक है, और ये जो बीच में जो सीधी लाइन जा रही है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर. अब देखिए जो लैटिट्यूड है, अब समझते हैं कि लैटिट्यूड क्या होती है. द इमेजिनरी लाइन्स और सर्कल्स ड्रॉन ऑन अ ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. क्या होता है, जो लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड होती है, एक्चुअली ये लाइन रियल में नहीं होती है. ये कैसी लाइन होती है, इमेजिनरी होती है. ठीक है, काल्पनिक इनको बोलते हैं. अर्थ पर ऐसे ये से हमने हमारे लिए तैयार करा है कि हम कोई भी लोकेशन को भी प्लेस आसानी से सर्च कर सकते हैं. तो द इमेजिनरी लाइन्स ऑफ सर्कल्स, ठीक है, ड्रॉन ऑन अ ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो जो इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, ये कहाँ जा रही है, वेस्ट ये रहा और ईस्ट ये रहा. तो वेस्ट से ईस्ट में जा रही है, तो पूरी सर्कल बन रहा है, ये वेस्ट से ईस्ट जा रही है. ठीक है, फ्रॉम अ ग्लोब, ग्लोब के ऊपर, फ्रॉम ईस्ट कॉल इक्वेटर. और अब क्या होता है, एक मिडिल में. अब देखिए जो आपको मिडिल में लाइन दिख रही है वेस्ट से ईस्ट जाती हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर. क्या बोलते हैं, इक्वेटर इन हिंदी, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा. ठीक है, और इक्वेटर पे कौन से लैटिट्यूड पर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है. आया समझ में, टू बी इज इक्वेटर. अब देखते हैं लैटिट्यूड, इक्वेटर डिवाइडेड टू हाफ. अब जो इक्वेटर जो लाइन दे रखी है, देखो वो हमारे ग्लोब को कितने
पांच में बात हुई है वन हो गई टू, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये ऊपर नॉर्थ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे हमारा साउथ है तो दूसरा साउथर्न हेमिस्फीयर। आया बात समझ में हम लोगों को। अब कुछ सम इम्पोर्टेंट है लैटिट्यूड का। अब इक्वेटर के अलावा भी कुछ लैटिट्यूड है। तो फर्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5°N। ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रही है, तो ये क्या है 0° से भी हम कुछ ऊपर जाएंगे नॉर्थ में, तो ये 23.5°, आप इसको 23.5° भी बोल सकते हैं। उस पर आपको एक रेखा दिखाई देगी, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इसके लिए हिंदी कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5°, 23.5° एंड साउथ। तो देखो ये दिख रही है, दिख रही है। अब यदि हम यहाँ से चलेंगे तो ये 23.5° 0.5 पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी हिंदी इसको हम मकर रेखा भी बोलते हैं। दो हुए, अब देखिए सर्कल, ये दो सर्कल हैं। तो फर्स्ट ऊपर आर्कटिक सर्कल 66.5° नॉर्थ पोल, ठीक है। ये कहाँ पर है 66 एंड ये नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल, और ये साउथ में कौन सा हमारा अंटार्कटिक, तो ये क्या हुआ अंटार्कटिक सर्कल 66°, साउथ जो की है साउथ में प्रेजेंट करता है। तो ये थे हमारे कुछ लैटिट्यूड। अब पढ़ते हैं हम, तो देखिए जो लैटिट्यूड होते हैं रिफर्स टू प्लेस नियर द इक्वेटर, ठीक है। जो लो लैटिट्यूड होता है रिफर्स टू, ठीक है, नियर द इक्वेटर। देखिए यदि हम यहाँ से देखें तो ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, तो ये कहाँ तक जा रहा है इक्वेटर तक, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हो जाते हैं, यही लैटिट्यूड ऊपर जाके हाई हो जाते हैं, हाई होने के बाद ये कहाँ तक जाते हैं पोल तक जाते हैं, ठीक है, यानी ध्रुव तक जाते हैं। तो यही निकाल के लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड रिफर्स टू प्लेस नियर द पोल्स, और ये कहाँ जाते हैं पोल्स तक। तो अब क्या होता है, जितने भी ये देखो लैटिट्यूड आपको दिख रहे हैं, इनकी जो डिस्टेंस होती है यानी इनके बीच की जो दूरी होती है वो इक्वल होती है यानी बराबर होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो यह इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं ई चार, मतलब एक से ही होते हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 111 किलोमीटर पहला पर, अथवा इसकी 111 किलोमीटर डिस्टेंस होती है दूरी। अब देखिए इसमें क्या है, इक्वेटर में हम आपको बांट देते हैं, तो नॉर्थ पोल होता है वो भी 90° का होता है, ये 90° का, और जो साउथ पोल है वो भी 90° का होता है, और जो हमारा इक्वेटर है तो 0° क्या होता है लेटिट्यूड होता है, 0° पर आप क्या होता है इक्वल टू 1। यदि हम देखें तो नॉर्थ पोल में 90°, साउथ पोल में 90°, 90 ये रहा लेटिट्यूड, 90 ये रहा, तो 90 और 0° को हम क्या मानते हैं 1। तो 1 यदि हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 180°। तो टोटल पैरेलल्स या लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स कितने होते हैं 181। तो अब पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, द इमेजिनरी लाइन्स सेमी सर्कुलर ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। ये भी इमेजिनरी लाइन होते हैं, कैसे होती है सेमी सर्कुलर होती है, और ये कहाँ खींची जाती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। अब ये नॉर्थ से साउथ में जाती है, ठीक है, आ रहा है समझ में, नॉर्थ से साउथ में भी जाती है। लॉन्गिट्यूड कॉल्ड मेरिडियन ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द ग्लोब। अब क्या होता है, ये जो लॉन्गिट्यूड है ये देखिए इसकी जो बीच वाली लाइन है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं क्राइंट मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, एक नॉर्दर्न हो गया और एक वेस्टर्न हो गया। दूसरी बात इसी क्या होता है, ये भी 0° लॉन्गिट्यूड होती है, ठीक है, 0° से 180°। अब क्या होता है, इस साइड में जो 180 वो मेरिडियंस होते हैं वो निकल, यदि हम इसका टोटल करें तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये मेरिडियंस, तो 360, ठीक है, कितने होते हैं 360 मेरिडियन होते हैं। तो अब पढ़ते हैं टाइम जोन्स के बारे में, यानी समय के बारे में, क्या है जो हमारी अर्थ है उस पर 24 मिनट टाइम जोन, उस पर 24 मिनट जोन है, ठीक है। तो अलग अलग जोन के अपने हिसाब से टाइम जोन को सेट करे हुए होते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि सूरज को देखकर लगा लेते थे कि टाइम
एंड सब अपना पता कर लीजिए। देखिए अब क्या होता है, मोर और लेस बाउंड्री के पास 15 डिग्री, अब क्या होता है 15 डिग्री और लॉन्ग्रीट्यूड का सब लोग अपना टाइम सेट कर लेंगे। टाइम एट 0 डिग्री लॉन्ग्रीट्यूड इज ग्रीन बीच मेरिडियन टाइम। देखिए जो स्ट्रैंड मेरिडियन है उसको हम ग्रीन बीच मेरिडियन बोलते हैं, तो यही क्या होती है टाइम को डिसाइड करती है। ठीक है, तो 180 मेरिडियन है ऑन एज इंटरनेशनल लेट टाइम, तो जो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं 180 को, की हमारी इंटरनेशनल लेट लाइन है, इसी के अकॉर्डिंग हम टाइम सेट करते हैं। और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कैलकुलेट इसमें किया जाता है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो जो यहाँ से 82.5 डिग्री। ठीक है, तो ये था। और हम लोग कितना है जी एम पी से कितना है 5.5 घंटे 5:30 आगे। तो अब होता क्या है टाइम में, ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड टाइम इस कैलकुलेटेड। अब हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट से ईस्ट जाते हैं या ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं हमारा जो घंटे है वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हमारी टाइम और डेट को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये तो आपका